गणेशपेट थाने में अपने साथ हुई गाली गलौच, दुर्व्यवहार और पत्नी को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए जाने वाले एक व्यक्ति के गर्दन पर चाकू से वार कर आरोपी ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल व्यक्ति को मेयो अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बुधवार मध्य रात्रि करीब 12:30 से 1 बजे के बीच पीड़ित 31 वर्षीय सैयद जावेद अली वल्द जफर अली मोमिनपुरा जा रहे थे। तभी रास्ते में हज हाउस के पीछे आरोपी शेख अजहर शेख मजहर उम्र 26 वर्ष लोधीपुरा गणेशपेट निवासी ने जावेद को रोका और कहा कि तू चोरी के मोबाइल बेचता है, मुझे भी एक मोबाइल दे। इस पर शिकायतकर्ता जावेद यह कहकर वहां से चला गया कि मैं ऐसा काम नहीं करता। इसके बाद आरोपी शिकायतकर्ता के घर जा धमका और शिकायतकर्ता की पत्नी को जान से मारने की धमकी दी। जब शिकायतकर्ता जावेद अपने घर पहुंचा तो आरोपी ने उसके साथ भी अश्लील गाली गलौज कर दुर्व्यवहार किया। जब इस बात का पता शिकायतकर्ता के रिश्तेदारों को लगा तो उन्होंने इस बात की शिकायत दर्ज कराने की जावेद को सलाह दी। जब शिकायतकर्ता अपने ममेरे भाई अवीज खान वल्द अहमद खान उम्र 28 वर्ष के साथ मामले की शिकायत दर्ज कराने जाने लगा तो इस बात का पता चलते ही आरोपी ने दोनों को रास्ते में ही रोका और जान से मारने की कोशिश करते हुए चाकू से उनकी गर्दन पर वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिलहाल घायल जावेद का मेयो अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में शिकायतकर्ता जावेद अली की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शेख अजहर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जाँच चल रही है। बात ऐसे है कि जो इस भूमिका जो फिरियादी है तकरारदार, उसका नाम है सैयद जावेद अली वल्द जाफर अली, वो लोधीपुरा का रहने वाला है, अपनी फैमिली के साथ रहता है। और आरोपी का नाम है शेख अजहर शेख मजहर, वो भी लोधीपुरा का रहने वाला है, दोनों का एक ही परिसर में वास्तव्य है। तो इसमें ऐसा हुआ था कि जो आरोपी है वो फिरौती को बोला कि तू चोरी के मोबाइल बेचता है तो कुछ मिलता है तो मुझे भी मोबाइल दे दे, ऐसा बात बोला। और उसने बोला ऐसा मैं काम नहीं करता, तो इसमें थोड़ा उनका ये हो गया और वो खुद तकरारदार मोमिनपुरा चला गया। उसके बाद वो आरोपी उनके घर के नीचे रहकर उनको अश्लील शिविर करने लगा। ये सब बात उसकी पत्नी ने, यानी जो तकरारदार उसकी पत्नी ने उसको फ़ोन करके बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये बात उन्होंने उसके अपने जो रिलेटिव है जो फौरा चौक में रहता है उसका नाम है आविज अहमद खान, जो फौरा चौक और उसका रिलेटिव है, उसको बताया फ़ोन करके। फिर वो बोला ठीक है मैं जाकर कंप्लेंट देता हूँ उनके साथ जाकर। तो कंप्लेंट देने के लिए जो आए तो उसको आरोपी को पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ कंप्लेंट देने के लिए आ रहे हैं, तो उसमें वो दोनों में झगड़ा हो गया दवा मार्केट के बाजू में। और उधर उसने अपने हाथ में जो चाकू जैसा हथियार था उसने गर्दन के ऊपर कान के पीछे उसने उसको मार दिया। ये मालूमत होने के बाद हमारा स्टाफ और मैं खुद स्पॉट वेरीफाई किया और फिर उसको मेडिकल उपचार के लिए भेजा गया। और जो जख्मी था उसका नाम है ओवेज खान वल्द अहमद खान, वो बोला मेरे लोगों को परेशान क्यों करता है, ऐसी बात हुई थी उनको। उसके बाद जो आरोपी था उसका लोकेशन निकाल, गोपनीय माहिती की लोकेशन निकालने के हमने उसको उसी दिन ताबे में ले लिया। NBC News के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।